आप देख रहे हैं खबर 100 और खबर 100 पर आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। वो वायरस जिसे आप समझ रहे हैं कि भारत में अभी इतना खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा ही समझते समझते इटली वासियों ने इस मुसीबत को इतना बढ़ा लिया कि अब वो चाइना से भी आगे निकल चुके हैं। तो आज ये सही वक्त है जब हम जागरूक हो जाएं, अपने हाथ धोते रहें और सचेत रहें और कोरोना को अपने आप से दूर रखें। क्यों साक्षी? जी हाँ, कल इसके लिए पीएम मोदी ने संबोधित भी किया है देश की जनता को, और पीएम मोदी ने आगे रहकर ये आग्रह किया है कि हम 22 मार्च को घर से ना निकले। बिल्कुल, उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया है लोगों को। इस बार वो चाहते हैं तो वो फोर्सफुली भी कह सकते थे कि 22 मार्च को कोई बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ आग्रह किया है जनता से, क्योंकि वे किसी को पैनिक नहीं करना चाहते। उन्होंने खुद कहा कि ये वक्त पैनिक होने का नहीं है, ये वक्त है समझदारी दिखाने का। साक्षी, क्या लगता है ये जनता कर्फ्यू को लोग कितना मानेंगे क्या? क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं लोगों के दिमाग में कि भाई जो पीएम मोदी है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम तो कांग्रेस माइंड है, तो हम क्यों इनको सपोर्ट करें, इनको मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ा लेनी चाहिए। जी हाँ, इसको लोग दो पहलू में बांट रहे हैं, एक तो पॉलिटिक्स में देख रहे हैं और एक जिनको सुरक्षा जरूरी है तो वो अपना हेल्थ लेके पीएम मोदी की बात को मानने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसको जागरूक मतलब फैला भी रहे हैं उस चीज को। राइट, दो पार्ट में लोग बढ़ चुके हैं। साक्षी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि दो पार्ट में लोग बढ़ चुके हैं और लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि कोरोना हमें नहीं हो सकता तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की जितनी जनसंख्या है, अगर यहाँ कोरोना फैला तो बहुत तेजी से फैल सकता है। अगर आपके स्टेट में अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है और सजग रहने का वक्त है। आप ये मत सोचिए कि मेरे प्रदेश में अब तक कोरोना नहीं आया है तो ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं आंकड़े। जैसे अभी मुझे साक्षी ने बताया कि ऐसे 20 लोग हैं जो कि इससे सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 3 से बढ़कर अब 4 हो गई है। देश में संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि 205 संक्रमित हो चुके हैं और कुछ संक्रमित लोग तो अस्पतालों से भाग चुके हैं। साक्षी, कितना गलत है ये? अगर आप संक्रमित हैं और अगर आप अस्पताल से भागकर अपने परिवार के पास जाते हैं तो आप उन्हें उपहार में बीमारी दे रहे हैं। आपकी जागरूकता ही जरूरी है इस समय। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने भी कल दो चीजों का संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संकल्प और संयम, ये दो चीजें बेहद जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए। अगर हम घर से ना निकले, जो भी काम हो अगर हम घर से बैठ के कर सकते हैं तो अवश्य करें। बिल्कुल, पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा है साक्षी आपने। उन्होंने दो चीजों को कोट करके कहा था कि संकल्प और संयम इस समय हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर हम संयम बरतेंगे और घर पर बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और हम संकल्प करें कि हम साफ सफाई रखेंगे, हम अपने आसपास किसी को भी इससे पीड़ित नहीं होने देंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगी आपसे, कई जगह से हमें ग्रुप्स में ये मैसेजेस आते हैं, लोग व्हाट्सएप पर फेसबुक पर ये लिखते हैं कि हमारे देश को डॉक्टरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नर्सों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉकडाउन करने से क्या फायदा होगा। अभी हमारे देश में लॉकडाउन हुआ नहीं है और खुशी मनाइए कि नहीं हुआ है और आगे भी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हम संकल्प और संयम का सहारा लें और हम वो बातें सुने जो शासन या प्रशासन कह रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर हैं, अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, जनता दल सपोर्टर हैं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके पास पछताने के लिए भी वक्त ना बचे और हम इतनी ज्यादा संक्रमण लेके देश में बढ़े। लेकिन कनु, कुछ लोग इसको छुट्टियों से तुलना कर रहे हैं कि यार अभी तो हमारी छुट्टियां चल रही है, वेकेशन चल रहे हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं गोवा का, इधर उधर जाने का। बिल्कुल ही खतरनाक होगा ये साक्षी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बिल्कुल खतरनाक है। टिकटॉक पर वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं कि ये बहुत अच्छा त्योहार है, इस त्योहार को मनाया जाए। ये मजाक का वक्त नहीं है भारत, ये जागने का वक्त है। हमारे पूरे इंडिया को इस समय एक होने का वक्त है। हमें दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि हम इस महामारी से बच सके। लोगों को लगता है कि ये महामारी के बारे में सिर्फ अफवाहें हैं, ये अफवाहें नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल से ये कह रहा है कि 22 तारीख को वो घर से ना निकले तो इसका मतलब है ये मामला गर्म है और ये मुद्दा समझने लायक है। उन्होंने ये जरूर कहा कि पैनिक मत हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे जैसे देश के लिए ये कतई छोटी बात नहीं है, कोरोना से लड़ना हमारे लिए छोटी बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये जता भी दिया कि ये छोटी बात नहीं है जिसे आप हल्के में ले रहे हैं। बस हल्के में मत लो, क्यों साक्षी? जी बिल्कुल, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि जो
जिनकी 60-65 से ज़्यादा एज है, सीनियर सिटीजन्स है, वो तो बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि उनका स्टेमिना, इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है, तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है इन सारी चीज़ों से। और अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही जाएं, और अगर आपकी सर्जरी वगैरह की डेट्स हों तो वो भी आप उसको आगे बढ़वा दें। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप, अगर आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं तो उन प्लानिंग्स को कैंसिल करिए, ये छुट्टियां मनाने का वक्त नहीं है। भले ही ये गर्मियों के दिन हैं जिसमें आप हमेशा वैकेशन प्लान करते हैं, पर ये समय वैकेशन के लिए मुफीद बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ जैसे कि साक्षी ने भी बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपकी सर्जरी प्लान्ड है, कोई और बीमारी का आपका कोई उपचार चल रहा है, तो भी आप अस्पताल जाने से बचें क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको रोक रही है किसी भी चीज को करने से, लेकिन लगातार पीएम मोदी ने निवेदन किए हैं, उन्होंने 9 निवेदन किए हैं। उन 9 निवेदन में जो भी चीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए किया है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हों, इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे प्रदेश के मुखिया यानी कि हमारे प्रदेश के जो भी सीएम हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, उन्हें सपोर्ट करें, वो जो भी आदेश दे रहे हैं उन्हें माने। आप इस वक्त शासन प्रशासन के खिलाफ मत खड़े होइए, उनके साथ में खड़े हो जाइए क्योंकि ये वक्त एकता दिखाने का है, लेकिन दूरी से, दूरी सोशल डिस्टेंस की बात करी नरेंद्र मोदी ने करी। और नरेंद्र मोदी ने COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स का भी एक गठन किया है, जो कि उन्होंने कल ही अपना उद्बोधन में बताया था। और उन्होंने कहा, क्योंकि साक्षी तुम जो कह रही हो कि उन्होंने एक गठन किया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब विकसित देश इससे लड़ते लड़ते हार रहे हैं, हार मान रहे हैं, इसके आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, किसी के पास इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको बचा लिया जाएगा, बचा लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि हमारे पास उतने डॉक्टर्स नहीं है, उतने नर्सेज नहीं है, और 4 दिन में उन्हें बनाया नहीं जा सकता। क्या आप जानते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं? कोई एक आम इंसान जिसे 6 घंटे की नींद निकालना चाहिए, लेकिन जो स्वास्थ्यकर्मी है वो 18-18 घंटे तो सिर्फ आपके लिए सेवा में जुटे हुए हैं। तो इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम कोशिश करें कि भारत में, कम से कम हम भारत में इन मरीजों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप संक्रमित हैं तो आप भीड़ में मत जाइए, सोशल डिस्टेंस, और अगर आपका रोज किसी से मिलना जरूरी नहीं है, घूमना, पार्टी करना अवॉइड कीजिए। साक्षी, सोशल डिस्टेंस की मैं बात दोबारा करूंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा था कि ये सोशल मीडिया पर ये इस समय सबसे ज्यादा फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमेशा के लिए नहीं करनी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रकृति बची रहे, अगर हम सब बच्चे रहें, हम सब सेफ रहें, जब तक हम इसका इलाज नहीं ढूंढ लेते, ये इतनी बड़ी महामारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है, भारत एक छोटा देश है, उन्होंने बार बार इनडायरेक्ट वे में हमको चेताया है कि अगर ये मुसीबत यहाँ आ गई, अगर किसी दिन लॉकडाउन की स्थिति आई तो ये बेहद खतरनाक होगा, हमारे पास उतने साधन संसाधन नहीं है, इसलिए हम खुद के डॉक्टर ना बने, लेकिन हम इतने भी पैनिक ना हो जाएं कि हम जरा सी छींक भी आई तो हम उसको कोविड समझकर और हम अस्पताल में भीड़ लगाने लगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि अभी तक कोई भी वैक्सीन इसके लिए नहीं बनी है, तो ये जो सोशल मीडिया में जितने भी मैसेजेस आते हैं कि ये वैक्सीन वो वैक्सीन का इजाद हुआ है, ये सारी अफवाहें हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे देश का प्रधान ये बोल रहा है कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो आपको वही मानना चाहिए। इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर आ रही खबरों से दूर बने रहना चाहिए, आपको सिर्फ वही सुनना होगा, समझना होगा जो शासन प्रशासन कह रहे हैं। मैं फिर आपको कहूंगी कि आप दो धड़े में मत बटिए, क्योंकि हमारे देश की साक्षी शायद सबसे बड़ी हम लोगों में कमजोरी है कि हम दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि भाई 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है, तो आधे लोग एकदम से तैयार हो गए क्योंकि वो मोदी सपोर्टर हैं, लेकिन आप इसलिए तैयार मत होइए क्योंकि आप मोदी सपोर्टर हैं, आप इसलिए ये करिए क्योंकि आपके लिए करना जरूरी है। हम बातों में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहकावे में, एक ने मैसेज फॉरवर्ड किया तो हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं उसे। राइट, बिल्कुल सही कह रही है साक्षी कि हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अभी कई जगहों पर मैंने खुद ये बात सुनी और पढ़ी है कि लोग कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट क्यों लॉकडाउन करना चाह रही है, गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ बंद करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि वो अपने यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाए। अभी आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा अपना भी बोल सकते हैं हम कि अपनी भावनाओं को काबू में रखकर कि आप किस पार्टी से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आप मोदी सपोर्टर हैं, विरोधी हैं, ये इस वक्त मायने रखता ही नहीं है। इस वक्त मायने रखती है आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी। आपका देश सलामत तभी रह सकता है जब आप सलामत हैं, तो इसलिए आप फॉलो कीजिए वो चीज़ें जो आपको कही जा रही है, क्योंकि इस बीमारी का कोई अभी तक इलाज नहीं निकला है। ठीक हो गए हैं मरीज मलेरिया से,
तो किसी की बॉडी ने सपोर्ट किया तो ठीक हो गए, जरूरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये खुद डॉक्टर ने कहा है, जयपुर में जिन्होंने इस इलाज को इजाद किया उन्होंने कहा ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इस मरीज को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू के लिए पीएम मोदी ने आह्वान किया है, खबर 100 की टीम भी उस जनता कर्फ्यू के लिए आपसे आह्वान करती है। और हम कहते हैं कि जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि वो लोग जिनका नौकरी पर जाना जरूरी है, जिनका काम करना जरूरी है, मतलब जो आपातकालीन सेवाओं में आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स हो गए, जिनमें सरकारी सर्विसेज वाले हो गए, मीडिया हो गया, इनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो अपने घर पर ही रहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पर रहें, वो साफ रहें, खुद को जो पार्टीज हो रही है, जो समारोह हो रहे हैं उनसे दूर रखिए, उनमें जाना अवॉइड कीजिए, मार्केट मत जाइए जब तक जरूरी नहीं है, ज़्यादा सामान स्टोर मत करिए। साक्षी की ये भी बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि पैनिक बाइंग ना करें, सारा जो सामान है दूध से लेके एवरीथिंग, सारी चीज़ें, सब्जियाँ, इन सब का ये कुछ खत्म नहीं होगी, इन सब का स्टॉक है, तो पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, साक्षी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि आपको पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि भाई हो सकता है कि पता नहीं कब सामान मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो आवश्यकता की सामग्री है वो हमेशा मिलती रहेगी, उनको स्टोरेज मत करिए, उनको उतना ही खरीदिए जितना आप हमेशा खरीदते आए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जनता से निवेदन किया कि कोरोना को हल्के में मत लें। तो हमारा भी, मेरा और साक्षी का भी आपसे ये निवेदन है कि कोरोना को वाकई में हल्के में मत लें, इस पर जोक्स क्रैक मत करें, अपने हाथ बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करिए, खुद सेफ रहिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिए।